कि संगीत और गायकी एक इंसान की और हर इंसान की आज जरूरत बन सकी है। अगर गायकी नहीं हो, संगीत नहीं हो और साहित्य, तो उससे साहित्य हमारा जो है वो एक पर्दे के पीछे जाता है। आज बताते हैं आपको कि आज हमारे साथ में जो है चीफ गेस्ट जो आए हैं वो भोजपुरी और हिंदी दुनिया के बेताब बादशाह और बहुत अच्छे कलाकार आदर्श जागरण म्यूजिकल ग्रुप से हैं, जो कि लखनऊ से चल के आए हमारे बीच में। इनसे आपका परिचय करवाते हैं और इनसे जानते हैं कि आज संगीत जो है वो हमारा जिंदा है और संगीत से हमारी साहित्य जिंदा है। तो इनसे जानते हैं कि किस तरह की आज के डेट में जो एल्बम बन रहे हैं, लोग गायकी कर रहे हैं, या आपके ग्रुप में अभी जो गायकी हो रही है वो किस तरह से मतलब करना चाहते हैं, गायकी करना चाहते हैं, कि समाज के ऊपर उसका क्या अच्छा संदेश जाना चाहिए। क्या राय रहेगी आपके लिए कि जो अभद्र कुछ गायकी करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं एल्बम में या गाने में या मूवी में, ऐसा होना चाहिए, इससे हमारे जो देश है और जो साहित्य है उसके ऊपर गलत संदेश जाता है, इससे आप अपने आप को या उनको क्या राय देना चाहेंगे? फिलहाल गायक का अपना एक अलग नज़रिया होता है, गायक के अलग राइटर होते हैं अपने, वो क्या गाना चाहता है, क्या पसंद करना चाहता है, ये गायकी के ऊपर निर्धारित है। और मैं जहाँ तक कहूँगा कि कोई भी सिंगर ऐसा नहीं चाहता है और कोई भी राइटर कि वो जो लिखे वो मतलब देश और या समाज जो है उसको पसंद ना करे। आपने अभी जैसा कि सुनने में आया कि आपने आपकी लेखनी की जो है वो वास्तव में काबिले तारीफ है, कुछ गाने आए हैं मार्केट में जो एल्बम में भी लिए गए हैं और अच्छे स्टेज प्रोग्राम में भी देखते हैं कि वो गाने सुनने को हमें मिलते हैं। तो आपने जब अपने जीवन की शुरुआत की गायकी के स्टेज पे, तो आपने क्या उम्मीद किया और किस तरह का आपने ये सपना सजाया कि कुछ ऐसे शब्द, ऐसे लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए अपने गायकी के अंदर जो वास्तव में उससे एक संदेश जाए? आपने कब से शुरू किया ये चीज़ें? ये प्रोग्राम हमारा लगभग 17 वर्षों से चल रहा है, आदर्श जागरण म्यूजिकल ग्रुप के नाम से। ये कहाँ पर आपका प्रोग्राम होता है, किस जगह पर? गोंडा डिस्ट्रिक्ट, थाना अमरी बेगमगंज, माँ बाराही मंदिर, मुकुंदपुर। अभी जैसे कि माँ बाराही धाम है जो काफ़ी प्रचलित है, देश नहीं बल्कि प्रदेश नहीं बल्कि देश स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो विख्यात है, वो दरबार है। तो उस दरबार के बारे में मैंने सुना है कि मतलब कोई भी आदमी हो अगर सच्चे दिल से कोई भी कामना लेके जाता है, कोई मनोकामना लेके जाता है तो पूरा होता है, ऐसा हमारा मानना है। आपसे जानना चाहूँगा, आप बहुत वहाँ के करीबी हैं और नज़दीकी हैं, तो क्या जो आदमी का मतलब ये जो चल रहा है प्रतिक्रिया जो चल रही है ये सत्य है? हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। और जो भी लोग सच्चे मन से अपनी मनोकामना लेके जाते हैं बाराही जी के दरबार में, वो माँ अवश्य पूरा करती है। तो जैसा कि इन्होंने जानकारी दिया कि जो माँ बाराही का धाम है वो वास्तव में प्रदेश नहीं, देश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित है, और उसी की कामना है कि जो भी उस दरबार में अपने सच्चे दिल से जो भी आरजू लेके जाता है उसे साकार होता है। कैमरामैन सागर शुक्ला के साथ संजय सिंह चौहान, जेके न्यूज़, नोएडा।